मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 29 दिनों के बाद हुए कैबिनेट विस्तार में 5 मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई। भाजपा के वरिष्ठ विधायक नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह मंत्री बने। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट से तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के कई वरिष्ठ विधायक होल्ड पर हैं। भाजपा के वरिष्ठ विधायकों गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, गैरी शंकर बिसेन, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया, राजेंद्र शुक्ला और रामपाल सिंह को अभी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। वहीं कांग्रेस से भाजपा में आए बिसाहू लाल सिंह, महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रभु राम चौधरी को भी फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। पहले चर्चा थी कि सिंधिया के दबाव में मंत्रिमंडल 10 से 12 मंत्रियों का हो सकता है, लेकिन भाजपा आलाकमान ने अभी नैनो कैबिनेट रखने को कहा था। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मंजूरी मिलने के बाद सोमवार देर शाम एक बार फिर नामों पर विचार हुआ, साथ ही फोन पर प्रदेश के नेताओं और मुख्यमंत्री के बीच चर्चा हुई। इसके बाद राजभवन को सूचना दी गई कि मंगलवार दोपहर 12 बजे साधारण रूप से शपथ होगी। 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि कई वरिष्ठ नेताओं को अभी इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर शपथ समारोह का आयोजन सादगी से किया गया। कोरोना के चलते शारीरिक दूरी व संक्रमण से बचाव के लिए सभी उपायों को अपनाते हुए आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री चौहान की शपथ के 29 दिन के बाद उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। भाजपा हाईकमान की हरी झंडी के बाद 5 मंत्रियों को शपथ दिलाने का निर्णय हुआ, जिसमें जाति समीकरण को साधने का प्रयास भी किया गया है। महिला और आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व मीना सिंह, ओबीसी वर्ग के कमल पटेल, अनुसूचित जाति वर्ग से सिलावट और सामान्य वर्ग से नरोत्तम मिश्रा और गोविंद सिंह राजपूत को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। आपको बता दें कि शिवराज ने 23 मार्च को राजभवन में सादे समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कोरोना संकट को देखते हुए उन्होंने अकेले शपथ ली थी। बिना मंत्रिमंडल के ही शिवराज कोरोना वायरस संकट के दौरान काम कर रहे थे और इसे लेकर वे विपक्ष के निशाने पर भी थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहाँ कोरोना संकट के बावजूद कोई स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री नहीं है। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतर्करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर। मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो भोपाल से आप ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम देख रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस वक्त मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी के बड़े नेता मध्य प्रदेश थे, इससे पहले भी जब शिवराज सिंह की सरकार थी तो उसमें भी वो कैबिनेट का हिस्सा थे। 2003 में ही दरअसल मध्य प्रदेश में मंत्री बन गए थे जब राज्य में उमा भारती की सरकार थी। इसके बाद बाबूलाल गौर सरकार में भी वो मंत्री रहे और फिर जब 2005 में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर आसीन हुए तो उस समय भी वो उनकी कैबिनेट का हिस्सा रहे। दतिया से विधायक हैं, मध्य प्रदेश के हिंदी बेल्ट पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और अब जब चौथी बार मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है तो एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट का हिस्सा।
महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री तुलसी सिलावट को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री तुलसी सिलावट को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ देता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब तक के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के प्रति सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चुनाव जीते और अब कैबिनेट में एक दलित चेहरा भी होंगे। एससी समुदाय से आते हैं, बेहद करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया के। इस साल मार्च में ही इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और चौथी बार जब शिवराज सरकार बन रही है तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबियों को भी कैबिनेट में जगह मिलती हुई और उन्हीं के बेहद करीबी जब माने जाते हैं तो पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। तो तस्वीरें भी देखिए, तो लॉकडाउन के समय में हो रहे शपथ ग्रहण में आपको वो दूरियां इस शपथ ग्रहण समारोह में लोगों के बीच दिखाई दी। श्री कमल पटेल को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कमल पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री कमल पटेल को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कमल पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कमल पटेल ने यहां पर अब शपथ ली। पांच बार विधायक चुने जा चुके हैं हरदा सीट से ही और बीजेपी के ताकतवर नेता माने जाते हैं मध्य प्रदेश में। 1993, फिर 1998, 2003, 2008 और फिर 2018 में चुने गए। इससे पहले भी हालांकि शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं कमल पटेल। हरदा सीट से चुनकर आए हैं और इससे पहले नरोत्तम मिश्रा, तुलसीराम सिलावट भी शपथ ले चुके हैं और कमल पटेल को आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं शपथ लेते हुए। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत को पद की शपथ ग्रहण कराएं।
मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो भी विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो गोविंद राजपूत ने यहां पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। ठाकुर कम्युनिटी से आप संबंध रखते हैं और सुर्खी से विधानसभा चुनाव जीते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी, उनके लॉयलिस्ट माने जाते हैं, कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो यहां पर कांग्रेस से आए बागी नेताओं को भी अब शिवराज सरकार के इस मंत्रिमंडल में जगह मिलती हुई। मार्च में ही इन्होंने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ा था, हालांकि कमलनाथ सरकार में रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं गोविंद राजपूत 2008 में दूसरी बार और 2018 में तीसरी बार सुर्खी से चुनाव जीते। मुख्यमंत्री सुश्री मीना सिंह को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं मीना सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। महोदय, कृपया आप नियुक्त मंत्री सुश्री मीना सिंह को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं मीना सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.